आज की वीडियो का मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली बेंगलोर सिटी जो है इंडिया के अंदर वो टेक हब डिक्लेयर हुई है वर्ल्ड के अंदर, इसको बींग अ पाकिस्तानी आप किस तरह देखते हैं? कितने टाइम के अंदर जो है पाकिस्तान इंडिया को कम्पीट कर पाएगा आईटी इंडस्ट्री के अंदर? नॉट इवन 20 ईयर्स, नॉट इवन 30 ईयर्स। इंडिया को कम्पीट करने में तो यही है कि इंडिया की ग्रोथ रुक जाए और हमारी ग्रोथ बढ़ जाए। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। बेंगलुरु को वर्ल्ड की सबसे फास्ट आईटी हब डिक्लेयर किया गया है, जिसकी वजह से इंडिया का नाम पूरी दुनिया में हो गया है, इसलिए बेंगलुरु के लिए एक लाइक तो बनता है। थैंक यू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन सिटी बेंगलोर के हवाले से, जो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। इसकी मकबूलियत की एक बहुत बड़ी वजह उसका टेक हब होना है। इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम अपनी क्या राय रखती है, चलकर पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं। सर जी, मैं आईटी कंसल्टेंट हूँ। आज की वीडियो का मेरा टॉपिक ये है कि अभी रिसेंटली बेंगलोर सिटी को जो है टेक हब डिक्लेयर किया गया है, बींग अ पाकिस्तानी किस तरह देखते हैं आप सर? जी, इसको पाकिस्तानी के हिसाब से आई थिंक थोड़ी शर्म की बात है कि हम आजकल आईटी के में काफ़ी बैकवर्ड्स हैं कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली इंडिया। इवन दो हम दोनों बिल्कुल साइड बाई साइड ही ग्रो किए हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। इवन दो आई नो पाकिस्तान बाद में बना, लेकिन हमारी मेन हब बेस सेम ही हुई है। इस हिसाब से आई थिंक इंडिया ने बहुत ज़्यादा की है ग्रोथ और कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तानी के लिहाज से तो हमें चाहिए कि हमें भी इंडिया के साथ ही आगे चलना चाहिए, कि मतलब हमें इंडिया से पीछे नहीं रहना चाहिए। वैसे पाकिस्तान हर चीज़ में इंडिया से काफ़ी पीछे है, लेकिन टाइम के साथ साथ पाकिस्तान भी आगे बढ़ना शुरू हो गया। फ्रीलांसिंग में भी हमारे काफ़ी फ्रीलांसर्स हैं जो काम कर रहे हैं और आईटी को लेके आगे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ सालों बाद हम भी इंडिया को बीट कर देंगे। आज की वीडियो का मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली बेंगलोर सिटी जो है इंडिया के अंदर वो टेक हब डिक्लेयर हुई है वर्ल्ड के अंदर, इसको बींग अ पाकिस्तानी आप किस तरह देखते हैं? सर वैसे तो आईटी सेक्टर के लिए तो इंडिया में जिस तरह से काम हो रहा है वो तो बहुत ज़बरदस्त है। अब उन्होंने एक यानी बेंगलोर तो जाना ही इसलिए जाता है कि सब स्टार्टअप्स और टॉप आईटी कंपनी सारी उधर ही हैं। तो वैसे तो एज अ प्रोफेशनल फ्रॉम द फील्ड ये अच्छी बात है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी बात हो पाकिस्तान में भी इस तरह ना पूरा का पूरा एक सिटी अंडर दैट नेम, जिस तरह से हमने अल्फा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क डेवलप की है, तो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन जिधर सारे ऑफिसेज हैं, लेकिन एज अ पूरा एक सिटी इसको जिस भी बड़े लेवल पे, क्योंकि आगे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट तो आईटी की है। क्या लगता है कितने टाइम के अंदर जो है पाकिस्तान इंडिया को कम्पीट कर पाएगा आईटी इंडस्ट्री के अंदर? नॉट इवन 20 ईयर्स, नॉट इवन 30 ईयर्स। इंडिया इज़ वे अहेड। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि हम उनसे कम्पीट कर रहे हैं, आई थिंक वे फूल्स। वो बहुत आगे हैं, उनके बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया गया है, उनके पास बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, कंपनीज हैं, ट्रस्ट है। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, आई थिंक वन थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट कि इन्वेस्टर्स जो है ना वो टेक्नोलॉजी देख के नहीं आता, इन्वेस्टर्स सर्टेनिटी देख के आता है कि आपकी मार्केट कितनी सर्टेन है। वी आर लिविंग इन अ वेरी अनसर्टेन कंट्री, अफसोस के साथ। तो सर्टेनिटी लेके आने की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ में से कंसिस्टेंसी लेके आने की ज़रूरत है ऐसे काम में। पाकिस्तान इस आईटी जो इंडस्ट्री है इसमें इंडिया से काफ़ी पीछे है, वेरी सॉरी टू से, क्योंकि देखें उधर तो मैंने ये पढ़ा भी है और देखा भी है कि जो आईटी का वहाँ पे स्कोप है इंडिया में, वहाँ पे तो प्रॉपर उनके सिटी एक आईटी सिटी डिक्लेयर हुआ हुआ है, बेंगलोर। ठीक है, तो पाकिस्तान में कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो फ्रीलांसिंग के तौर पर जैसे हर बड़ी बिग सिटीज़ में काफ़ी घरों में लोग फ्रीलांसर या छोटे मोटे ऑफिस वगैरह में कर रहे हैं, लेकिन इधर प्रॉपर ये होना चाहिए। देखिए इंडिया एक बिल्कुल हमारा बिल्कुल हम कोई इतना ख़ास हमारा कोई कल्चरल डिफरेंस नहीं है, और लेकिन वो आईटी में बहुत आ गया पाकिस्तान से। और एक जो सबसे मेन चीज़ है कि सबसे जो एक मशहूर कंपनी फेमस कंपनी जैसे गूगल है, तो गूगल में भी जो इंडिया के जो एम्प्लॉयज़ हैं जो इंडियन बेस्ड हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री। तो इस लिहाज से इधर काफ़ी गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। वैसे जो है पहले से कुछ बेहतरी तो है जब से ये गवर्नमेंट आई है, कि हमारी वुमेन इतनी टेक्नोलॉजी में नहीं है जो बाकी पूरी दुनिया में, स्पेशली इंडिया में। अब आपने देखा है कि इंडिया में आप वो बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इस हिसाब से एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है जो पाकिस्तान में नहीं है। ना ही पाकिस्तान में इतने हमारे पास ना अपॉर्चुनिटीज़ हैं
ना हमारी टेक्नोलॉजी की इतनी ग्रोथ है, जिस तरह फाइलिंग सिस्टम अगर हम बेसिक से शुरू करें पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। और फिर वही चीज़ करप्शन में आ जाती है कि पाकिस्तान में वो लेज़ीनेस है जो पूरी दुनिया में नहीं है, जो टेक्नोलॉजी एक तरह से रिमूव करती है लेकिन इंसान में वो लेज़ीनेस अभी भी रही है पाकिस्तान। इंडिया के पास असल में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके पास काफ़ी जो है इंडस्ट्रीज़ हैं और काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं। पाकिस्तान के पास अभी इतने कम नहीं है, अगर पाकिस्तान और इंडिया को कंपैरिजन किया जाए तो बाहर के लोग इंडिया पे इन्वेस्ट करते हैं। वजूहत ये हैं कि शायद हम इस फील्ड को एक्सप्लोर करने के लिए अपने स्टूडेंट्स को इस तरफ रागिब नहीं कर रहे हैं, वजूहत ये लग रही हैं। हम लोग शायद उनको इसकी प्लेटफॉर्म से आगाह नहीं कर रहे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है जिसमें लंदन में बताया गया है कि इंडिया का बेंगलुरु शहर जो आईटी हब है वो दुनिया का सबसे तेज बढ़ने वाला आईटी हब बन चुका है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। और अब इससे भी ये पता चलता है भारत कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और ये खबर सुनते ही पाकिस्तान के आईटी इंडस्ट्री में भूचाल आ गया है और वो सोच रहे हैं कि हम 20 साल तक भी इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। जिस हिसाब से इंडिया का आईटी सेक्टर बढ़ रहा है उसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है और हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। इंडिया ने इतनी मेहनत की पिछले 10-15 सालों में, जिसका कारण है आज इंडिया वर्ल्ड की टॉप आईटी डेस्टिनेशन बन चुका है। पूरी दुनिया भारत के आईटी प्रोफेशनल का डंका मानती है, जिसकी वजह से भारत के यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही है और बिजनेस भी बढ़ता चला जा रहा है। और इसी तरीके से बाकी फील्ड में भी इंडिया लगातार तरक्की कर रहा है और इसके रिजल्ट आने वाले सालों में दिखने लगेंगे और कुछ तो अभी भी दिख रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल देखने के लिए धन्यवाद। बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाइए। थैंक यू।